हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल की, यानी कि मंडे की। मंडे को है 10th of February 2020। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या हो सकता है मंडे को और फ्राइडे को। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने कहा था मार्केट जाएगी नीचे और आप कर सकते हैं सेल, मार्केट गैप डाउन ओपन होगी और वहाँ से जो है मैंने बोला था आपको, यानी कि लास्ट सैटरडे फ्राइडे को मैंने आपसे बोला था कि मार्केट गैप अप ओपन होगी और वहां से जो है प्राइस गिरना चालू होगा और मार्केट जो है नीचे की तरफ ही जाएगी, क्योंकि सारी इंडिकेशंस जो है वो नीचे की हैं। अब इस वीडियो के थ्रू मैं चीज़ और आपको बताने वाला हूँ। सर देखिए, कमोडिटी मार्केट जो है वो है 15 घंटे की, तो इट्स नॉट ईजी फॉर मी कि मैं सिर्फ 5 से 6 मिनट की वीडियो के अंदर आपको पूरे दिन का एक विश्लेषण, जिसको हम बोलते हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन, मैं दे पाऊँ आप लोगों को। इसके लिए मुझे हर 4 से 5 घंटे में एक अलर्ट वीडियो आपको डालनी पड़ेगी, अगर आपको पूरे दिन की मार्केट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी है कि आगे क्या हो सकता है, राइट? तो क्योंकि आप समझदार हैं, मार्केट कभी भी एक दिन पहले प्रिडिक्ट आप कर सकते हैं, उसकी ओपनिंग को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसकी नॉर्मल मॉर्निंग में चाल कैसे रहेगी उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पर आप पूरे दिन की मार्केट को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोपहर के अंदर मार्केट ओपन होती है, जापानीज़ मार्केट ओपन होती है और बहुत सारी मार्केट जो है ओपन होती हैं। उसके बाद शाम को US मार्केट भी ओपन होती है, तो बहुत सारे डिफरेंट मार्केट्स क्राइटेरियाज़ हैं जिसके वजह से मार्केट जो है ऊपर नीचे होती है, राइट? तो बहुत सारे लोग अगर जो ये सोचते हैं कि सुबह ही हम प्रिडिक्ट कर दें और मार्केट पूरा दिन वैसे ही चले, तो सॉरी टू से दिस, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन अ रियल वर्ल्ड। तो चलिए कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है मंडे को। एक स्ट्रैटेजी आज मैं आपसे और शेयर करूंगा, उसी स्ट्रैटेजी को मैंने शेयर किया था अपने एक सब्सक्राइबर के साथ। स्ट्रैटेजी नहीं है, बहुत सिंपल आप कह सकते हैं कि जैसे हमारे घर में जो बड़े होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं या फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, हमेशा कुछ वो वर्ड्स आपने सुने होंगे कि तजुर्बा, राइट, एक्सपीरियंस। तो वो मेरा एक खुद का एक्सपीरियंस था, तो मैंने शेयर किया कि ये मेरा खुद का एक तजुर्बा है जो मैंने फॉलो किया या फिर देखा है टर्मिनल के ऊपर। तो अगर आप भी इस तरीके को यूज़ करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो डेली वो तरीका आएगा, मगर जब भी आएगा तो आप बहुत अच्छे पैसे वहाँ से कमा सकते हैं। और हमारे एक सब्सक्राइबर ने फ्राइडे को कमाए कम से कम 7,000 रुपीज़ उससे। तो आप जैसा कि जानते हैं, मैं पेड मेंबर्स का कभी भी स्क्रीनशॉट आपसे शेयर नहीं करता हूं कि किसने कितना प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि मैं कभी भी वो काम नहीं करता हूं जो दुनिया करती है, राइट? और पर हाँ, फ्री चीज़ों की मैं ज़रूर बात करता हूं ताकि आप फ्री में बहुत सारे बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस वीडियो के अंदर कि क्या हो सकता है। तो मैं एक चीज़ यहाँ से क्लियर कट आप लोगों को बता देता हूँ कि मार्केट जो है, चाहे वो देखिए मार्केट की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन ही दिखाई दे रही है यहाँ से, मगर आप क्लियर कट यहाँ से नहीं कह सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। मगर एक चीज़ मैं आपको यहाँ से बता सकता हूँ कि मार्केट मंडे को जिस भी साइड ओपन होगी, यानी कि अगर मार्केट बाय में ओपन हुई, क्योंकि मार्केट की जो पोजीशन है वो अब इस हालात के ऊपर है मंडे के लिए, राइट? मंडे के लिए इस हालात के ऊपर मार्केट की सिचुएशन है, यानी कि मार्केट एक ऐसी सिचुएशन पे खड़ी है जहां से दो रास्ते जाते हैं, एक बाय की तरफ एक सेल की तरफ, और मार्केट बिल्कुल एंड ऑफ द पॉइंट खड़ी है कि अब उसको टर्न लेना ही है कि बाय की तरफ या सेल की तरफ। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आगे वो बाय ही जाएगा, मैं सिर्फ और सिर्फ मंडे की बात कर रहा हूँ। तो अगर मंडे की जो मार्केट है अगर वो ऊपर की तरफ ओपन होती है, तो सारे इंडिकेशन जो है, क्योंकि मार्केट ऐसी सिचुएशन पे खड़ी है कि वो ऊपर की तरफ चली जाएगी, राइट? यानी कि मैं 12 से 1 बजे तक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी भी यहाँ पे मतलब सेल के लिए मैं आपसे कह सकता हूँ कि 90% अभी भी चांस सेल के लिए ही बने हुए हैं और सेल की तरफ जाना बहुत ज़्यादा ईजी है मार्केट के लिए। मगर बाय के लिए आप अगर 12 से 1 बजे तक अगर आपको बाय मिल भी जाता है, तो उसके बाद कोई श्योरिटी नहीं है कि 12 बजे तक या 1 बजे के बाद प्राइस नीचे नहीं आएगा, क्योंकि प्राइस को नीचे अगर आपको ये करना है कि हाँ भाई प्राइस ऊपर ही जा रहा है क्या, तो कम से कम अगर 3 से 4 बजे तक प्राइस ऊपर की तरफ ही रहता है तो आप मान सकते हैं कि आज जो है बाय की मार्केट है और फिर पूरा मार्केट जो है ऊपर की तरफ ही जाएगा, राइट? तभी शोर शोर आपको एक कॉल मिल सकती है बाय की तरफ कि हाँ मुझे बाय जो है, मेरा बाय अगर है तो मैं सेफ हूं। मगर सेल की तरफ क्या है, अगर सेल की तरफ मार्केट अगर नीचे की तरफ जाती है, यानी कि अगर मॉर्निंग के अंदर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, रेड कलर में ओपन होती है, और उसके बाद जो है 1-2 घंटा मार्केट नीचे की तरफ ही पुश हो रही है, तो बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है कि ये नीचे की तरफ ही जाएगी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी नीचे की तरफ ही पुश हो रही है।
तो जिस तरफ मार्केट पुश हो रही है अगर उसी तरफ ओपन हो रही है तो ये तो बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेशन है कि मार्केट तो अपनी डायरेक्शन में ही जा रही है। मगर अगर रिवर्स डायरेक्शन की बात करें यानी कि बाय की चांसेस बहुत कम है, यानी कि 10% है। अगर मॉर्निंग के अंदर बाय कैंडल ओपन हो भी जाती है दैट डजंट मीन कि मार्केट बाय की तरफ है। सिर्फ ये हो सकता है कि सिर्फ 12 से 1 बजे तक ही मार्केट या फिर 1 से 2 कैंडल जो है वो ग्रीन में बन सकती है। और आप अगर बाय के अंदर पोजीशन लेने की सोच रहे हैं तो मैं आपको क्लियर कर बता दूं, अगर आपने पोजीशन ले रखी है तो बात अलग है, अगर नहीं ले रखी है आपने पोजीशन तो कम से कम 2 बजे तक का आपको वेट करना चाहिए। 2 बजे तक अगर मार्केट ऊपर की तरफ ही मूव हो रही है धीरे धीरे करके, नीचे की तरफ मार्केट पुश नहीं हो रही है, तो आप सोच सकते हैं कि हाँ जो है मार्केट की डायरेक्शन ऊपर है और जैसे ही कोई रेड कैंडल बनेगी मैं उसके नीचे जो है बाय करूँगा, राइट। और या फिर आप ये भी कर सकते हैं मॉर्निंग की मार्केट को देख के कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो डेफिनेटली आप सेल कर सकते हैं। और बाय के लिए मैं आपको अवॉइड करूँगा कि बाय के लिए आप मत जाइए, राइट। यानी कि आप मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होती है तो आप सेल तो कर सकते हैं मगर गैप आपके अंदर आप बाय मत कीजिए, क्योंकि 1-2 घंटे बाद अगर मार्केट गिर जाएगी, क्योंकि बाय की अगर एक कैंडल बन भी जाती है तब भी आपके पास जैसे आप एक एनालिसिस करते हैं और आपके पास एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आती है कि हाँ अगर एक कैंडल भी बड़ी बनी तो जो है बाय की पोजीशन बन जाएगी, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। एटलीस्ट कम से कम 2 बड़ी बड़ी कैंडल अगर बाय की बनती हैं, यानी कि बाय की सिचुएशन जो बनती है वो 3650 से लेकर 70 के बीच में अगर प्राइस क्लोजिंग देता है तब बनती है, और ऐसा नहीं हो पा रहा है काफ़ी दिन से कि क्लोजिंग जो है वो कैंडल नहीं दे पा रही है। प्राइस ऊपर टच जरूर करता है मगर जाके क्लोजिंग नहीं दे पाता है, तो यहाँ से आपको फिर कोई भी मज़ा नहीं आने वाला है बाय में, तो बहुत रिस्क हो जाएगा आपके लिए। इसीलिए बोल रहा हूँ सेल करने में ही ज़्यादा फ़ायदा है इन कंपैरिजन ऑफ बाय, रिस्क भी कम है। 4 घंटे के चार्ट पर देखते हैं क्या हुआ। 4 घंटे के चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो देखिए आपको अगर याद हो मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी यहाँ पर, मैंने आपको बोला था कि देखिए सिचुएशन क्या है, मैंने आपको बोला था कि ये जो लेवल है अगर ब्रेक हुआ, ये लेवल अगर ब्रेक हुआ तो प्राइस जो है वो नीचे की तरफ जा सकता है, क्योंकि ये लेवल तो ऑलरेडी ब्रेक हुआ। उस दिन मैंने कहा था आपसे कि ये सिचुएशन भी बन सकती है कि प्राइस नीचे आने के बाद ऊपर जाए और फिर वापस जो है नीचे आए, ये भी सिचुएशन जो है वो बन सकती है, क्योंकि इसका जो लो है तकरीबन 3528 के करीबन है, राइट। और अगर ये सिचुएशन अगर मैं इसको और वो करूँ क्योंकि इसको मैं और थोड़ा सा हाँ ठीक है देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर ये जो लेवल तोड़ता है यानी कि तकरीबन 3550 से 20 का जो लेवल है अगर मार्केट वो ब्रेक करती है, राइट, अगर वो मार्केट ब्रेक करती है फिर तो ये नीचे चली जाएगी। मगर दिक्कत ये है यहाँ पर कि मार्केट सेम बिहेवियर दिखा रही है यहाँ पर, यहाँ का देखिए, यहाँ पे आप देखिए ये मार्केट नीचे गई फिर ऊपर गई फिर नीचे, यहाँ पे भी देखिए क्या हो रहा है, सेम मार्केट का बिहेवियर वो ही है। तो यहाँ पर भी देखिए क्या है, मार्केट नीचे गई ऊपर जा रही है फिर ये नीचे जा रही है, राइट, फिर नीचे ऊपर, ये इसी रेंज के अंदर घूम रही है और यहाँ से भी ये ऊपर भागी। तो मेरा कहने का मतलब आपसे यही है कि आपके लिए अगर सेल करना है आपको तो ये जो पोजीशन है यानी 3524 3530 से लेकर 50 ये जो रेंज है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो मार्केट नीचे जाएगी। अगर भाई आपने ले रखी है पोजीशन बाय के सेल के अंदर तो यहाँ सॉरी बाय के अंदर, और अगर आपने आप लॉस में चल रहे हैं तो आपके लिए ये एक स्टॉप लॉस है, आप इसको इस स्टॉप लॉस को अपना हिट करवा के मार्केट से निकल सकते हैं। पर हाँ ये भी हो सकता है कि मार्केट एक छोटा सा इसको टच करके वापस ऊपर आ जाए, ये भी हो सकता है, राइट। पर वही चीज़ है कि टच करने के बाद मार्केट कितना नीचे जाती है, क्लोजिंग देती है कि नहीं देती इसके नीचे, उस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है क्योंकि अगर आप इसी सिचुएशन को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल इसको कॉपी कर रहा है, तो यहाँ से देखिए मार्केट ऊपर भी जा सकती है। मैंने इसीलिए कहा अगर इसका लो टूटता है तो मार्केट नीचे चली जाएगी, पर टूटने की बात नहीं होती है, क्लोजिंग की बात होती है कि मार्केट क्लोजिंग दे रही है या नहीं दे रही। आप लोगों को ये भी बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि मार्केट ने लो तोड़ा हाई तोड़ा उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्लोजिंग दिया कि नहीं दिया उससे फ़र्क पड़ता है, राइट। तो होप आप समझ गए होंगे, अगर आप इसको खुद एनालिसिस करेंगे इस पार्ट को तो आप देखेंगे ये बिल्कुल कॉपी कैट हो रहा है, यहाँ पर बिल्कुल कॉपी हो रहा है। और तो वही चीज़ है, या तो यहाँ से मार्केट अब बहुत रैपिडली ऊपर जाएगी, और अगर इसने इसका लो तोड़ा तो मार्केट जो है क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, यानी कि एक नेगेटिव मार्केट इस लो को पूरा कर सकती है। बाकी चीज़ यह कि शायद इस हफ्ते के स्टार्टिंग के 3 दिन ये डिसाइड कर देंगे कि मार्केट नीचे जाएगी या मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि 3 दिन के अंदर अगर मार्केट 100 पॉइंट तो आराम से टूटेगी, अगर मार्केट नीचे की तरफ गई तो वो लेवल तोड़ सकती है लो का,
यहाँ से क्लियर कट इंडिकेशन हमें मिल जाएगा कि यहाँ से होने क्या वाला है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।